लेकिन लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे लिए सब सम्मानित है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई नेता अगर ये निर्णय ले इस हालात में जब हमारे एक भाई का संस्कार अभी हो रहा है, उस समय को ये निर्णय ले कि मैं इस आंदोलन को छोड़ता हूँ, तो ये उसका निर्णय है ना आप सबका निर्णय। क्या हुआ भैया? तीनों बिल वापसी, जब तक बिल वापसी नहीं होगा घर से बाहर नहीं आएंगे। क्या है ये किसान नेता है? हमारे सरकार की हमारे आंदोलन दो महीने का हमारे आंदोलन का वो उसको हमारे को वो कर दिया। किसान एकता जिंदाबाद। बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हमारे नेता यहाँ पर हैं। किसानों पे आरोप लग रहे हैं। किसान तो दो महीने से बैठा हुआ है। अगर किसान चाहता है तो इतने दिन क्यों देखते? काफी मायूस है यहाँ पे किसान। क्या कहते हैं, क्यों आखिर? देखो, मैंने आपसे कहा कि दो महीने से कड़कती ठंड के अंदर हम बैठे हुए थे। आज हमारे साथ जो हुआ आप लोगों को पता है। बिचारे के मारे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों को कहने का ये मतलब है किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को किस तरीके से उनके पर इल्जाम लगाया जा रहा है, किस तरीके से आरएसएस के लोग वर्दी पहनकर हमारे क्या किसानों को कार्यक्रम को खराब कर रहे हैं, ये इसके लिए ठीक नहीं होगा। और आने वाले समय में किसान मरने के लिए तैयार है, मगर ये बिजली तुम्हारा ये जो बिल है तीनों कानून इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और आने वाला
है, किसानों पे आरोप लग रहे हैं कि ये सब झूठी है, क्योंकि सरकार डर चुकी है। अभी सरकार जी अभी जो माहौल बना है ये क्यों आखिर बना है, क्या करते? देखिए हमारे किसानों के अंदर जज्बा तैयार है आज भी लड़ने के लिए, किसी से डरेंगे नहीं, ना सरकार से ना इस काले कानून से, और इसको वापस लेना पड़ेगा। अगर वापस नहीं लेंगे तो ये सरकार को जाना पड़ेगा, इतना याद रख लेना। किसान नेताओं पे FIR दर्ज हुई है क्या? अरे शेर के ऊपर ही लाछन लगते हैं, किसान कभी भी धाराओं से नहीं डरता। ये देख रहे हो, ये शेर बोल रहे हैं, ये शेर बोल रहे हैं मोदी को सबक सिखाने के लिए। अभी तक स्टेज अभी जाके चालू हुआ क्या? नहीं कल नहीं, हमारे क्या स्टेज चालू था, सुबह से ही हमारे जो शहीद भाई हुए थे उनको श्रद्धांजलि दिया गया था, और उसके बाद आगे कुछ रणनीति तैयार करने के बाद फिर से हम लोग वहाँ बैठ गए। तो क्या कहना चाहिए कल का माहौल? जो हमारे लक्ष्य है बचाने के लिए, आप सभी इकट्ठे हो जाओ और यहाँ पर बैठ जाओ। सब लोग यहाँ पर आगे आकर बैठ जाए, और सब साथियों से निवेदन है कि हम एक स्वर में नारा लगाने का काम करेंगे। किसान एकता, संयुक्त किसान मोर्चा, बिल वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं, बहुत सारे भी पीछे रह गए हैं। जहाँ तक आवाज पहुँच रही है इस मंच के माइक की, सब लोगों से विनती है कि कृपया वो आगे आकर यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद कहिएगा अभी फिर से एक बार, क्या कहेंगे, क्या रीजन पर अभी तक शांति? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये किसान भाई जो दुनिया के सबसे पवित्र चीज़ है ना, वो पसीना है किसानों का। अब मोदी जी को अपना जमीर जगाना पड़ेगा, अंबानी अडानी के कहने पे नहीं चलना होगा, नहीं उनकी चौकीदारी करनी होगी। बस अब हर हालत में कि ये जो काले कानून है वो वापस लेना ही पड़ेगा, वरना ये सारे योद्धा हैं, ये सारे योद्धा बैठेंगे, अब ये चर्चा करेंगे कि आंदोलन कैसे चलेगा, ये आपने तय करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो माहौल है वो एक बार फिर वैसे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में हर जगह दिखाई गई कि कल की हिंसा को लेकर के, उसके बाद माहौल काफी मायूस हो गया था, लेकिन आप किसान नेता फिर से मंच पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भाषणबाजी शुरू हो गई है। और मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि आंदोलन बड़े जोर शोर से होगी और पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ जनता यहाँ पे जमा होगी, इसलिए मोदी सरकार अपने काले कानून को वापस लो और किसान भाइयों के साथ सहयोग करो, अपना ये काले कानून वापस करो, अदरवाइज बहुत बहुत बड़ा क्रांति होगा। पूरी ताकत से उद्घोष करने भाइयों, बैठ जाओ एक बार बैठ जाइए। ये चीनो साहब को आने दो, इधर अंदर आने दो चीनो साहब। आज एक उद्घोष लगाओ भाई, जब तक और भैया किसान एकता, किसान मजदूर एकता, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा गाजीपुर जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों जितने भी साथी हो, हम बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। कल से आपके संज्ञान में, कल हमने एक योद्धा खोया है, अपना भाई खोया है हमने कल, और न जाने अभी कितने निशाने इस तानाशाह सरकार, और ऐसे समय पर ये सरकार चाहे या कोई भी
कोई भी देशा चाहे कि हम देश के भोले भाले किसानों करा सकता है, धमका सकता है, इतनी ताकत है भी नहीं। अरे हम भोले भाले किसान हैं भाई, भारत सभा तक मौजूद बने, लेकिन अब हम अपना हक लेने आए हैं। अब हम देश को करने वाले नहीं बनना चाहिए क्या लोग? सारे हमारे पढ़े लिखे हमारे बुजुर्गों का अनुभव, इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया है और उस आंदोलन को हम सब ने अपनी एकता से, अपनी एकजुटता से घर छोड़ कर आकर के बैठ करके यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचाया है। आज आज सरकार सोचने को मजबूर, सरकार कर्ज लेके नीचे घूम रही है, सरकार कर्ज लेके इस आंदोलन को फेल करने के लिए, हमें धमकाने के, हमें भटकाने के, हमें कुचलने के लिए सरकार षड्यंत्र रही है। हम उस षड्यंत्र को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। ये आपका संकल्प है या नहीं है? ये सरकार हमारे किसान नेताओं ने जवाब डाल दी है। कोई बात नहीं, नेता है उन पर दबाव सरकार का हो सकता है, लेकिन हम गरीब किसान, अरे खेतों में रहना है, खेतों में चलना है, खेतों में सोना है, काम करेंगे तो खाना मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, फसल बिकेगी तो बच्चों की फीस देंगे, हमें कोई जरूरत देने नहीं आता, तो हमें कोई दबाव है? किसी किसान पे दबाव है? कोई हम सब लोग अपने उद्देश्य के साथ यहाँ साथी, और उस उद्देश्य को बिना प्राप्त किए अगर हम घर चले जाएंगे तो गांव की तहजीब तुम्हें क्या कहेगी बेटी की? बेटी गांव की तहजीब क्या कहेगी? आप समझ सकते, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे लिए सब सम्मानित है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई नेता अगर ये निर्णय ले इस हालात में जब हमारे एक भाई का संस्कार अभी हो रहा है, उस समय को ये निर्णय ले कि मैं इस आंदोलन को छोड़ता हूँ, तो ये उसका निर्णय है ना आप सबका निर्णय? यह उस विरोधी का निर्णय हो सकता है। हम अपने जितने भी किसान शहीद हुए, अरे इस आंदोलन के साथ भावनाएं तो देखो यार, भावनाएं तो देखो, बच्चों की देखो, समाज के हर वर्ग की देखो, इस सरकार से मिल करके कल कुछ लोगों ने इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की और यह आंदोलन यहाँ पर पहुँचने में कम से कम 150 लोगों की कुर्बानी हो चुकी है। और ये बाबा जी देख रहे हो, देखो बाबा कश्मीर से वो खुद सुसाइड कर गई है कहते हुए कि यूपी और उत्तराखंड से कोई शहीद नहीं है, मैं शहादत हूं। इससे ज्यादा भावनाएं क्या पर खो गई? और ऐसे समय पर ऐसे आंदोलन को अगर कोई लात मार कर जाना चाहता है तो वो चला जाए, उसको कोई रोके और हम किसान हैं। अब किसान अपना भला बुरा स्वयं तय करना जानता है, और अगर कोई नेता यहाँ से ये गलत फहमी में हो कि मेरे जाने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, आज ये संकल्प लो भाई सारे लोग, अगर आपके वापस में ताकत है आज ही फोन करो जिनको घर भेजा है, कल ही वो एक बंदा जरूर वापस आए। हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो गांव का किसान अब जाग गया है, ये तुम्हारी लोरी से होने वाला नहीं है जब तक इसका हक नहीं मिलेगा। ये आपसे कहना चाहता और इसी विषय पर आपके हमारे बीच में इस आंदोलन को हमारा मार्गदर्शन जो करते रहे बहुत ही वरिष्ठ मार्गदर्शक डीपी श्री जी हमारे बीच में मौजूद, उनसे भी निवेदन कि वो आपको इन विषयों पर जरूर जरूर।
भाइयों, सुबह ही आप लोगों के बीच में चर्चा हुई थी कि अभी सरकार के जो पैंतरे हैं वो विभिन्न तरह के पैंतरे इस आंदोलन को खत्म करने के लिए चलाए गए हैं और भी तिक्रमें आगे होंगी। अब वो तिक्रमें आपके सामने आ रही हैं, एक के बाद एक तिक्रमें सामने आ रही हैं। कोई कितना बड़ा नेता हो सकता है, हमारा कहना है कि इस आंदोलन से बड़ा नेता नहीं हो सकता। कोई कितना कोई मेरी बिरादरी का हो सकता है, कोई आपकी बिरादरी का हो सकता है। बोलो जो हमारे खेत छिनेंगे, बोलो जो हमारी मंडी छिनेगी, तो ये बिरादरी काम आएगी क्या? नहीं आएगी। वो अपने तरह के जिंदगी जीते होंगे, हम अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं, इसलिए हमारी तो जिंदगी मौत का सवाल है। इसलिए जब तक ये बिल वापस, कानून वापसी नहीं, घर वापसी, कितनी बड़ी हस्ती चली जाए अब हम यहाँ बताना नहीं चाहते, लेकिन तो पता चलेगा। अगर हमारे बड़ों का इतिहास आप देखेंगे तो सब जानते हैं हम। आपके बीच में आज को समय नहीं है इन सारी बातों को बताने का, और नहीं जिसकी तुम उठा कर देखो वही मादा नजर आया। ये तस्वीर आपको देखने मिलेगी, कौन माता है कौन मर्द है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हालात ये है, पुलिस का दमन है, पुलिस दमन के लिए और इंतजाम कर रही है, वो सारी हद कर रही है, लेकिन ये बहादुर किसान डटा हुआ है और नेताओं के पैर कांप गए हैं। साथियों ज्यादा कुछ नहीं कहके बहुत ही बढ़िया काम आप लोगों ने किया है। तमाम जो हमारे साथी जगह जगह रह रहे हैं, पूरे में जुलूस निकाल कर नारा लगा कर ये बता दिया है, उस गुस्से के साथ नारे लग रहे थे, मैं देख रहा था, जब तक कानून वापसी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही जो आपका बहादुर संदेश है, यही जो सारी सरकार को भी जा रहा है, हम लोगों को भी बल दे रहा है, यही वो ताकत है जो इस आंदोलन को जिताएगी। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।